नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की आज बैठक होने वाली है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उधर आदित्य ठाकरे आज शिवसेना के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। असम के गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने साथ मौजूद विधायकों के साथ आज दोपहर मीटिंग करेंगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक में आज भी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। भाजपा की आज एक बैठक होनी है, इसमें भाजपा के सहयोगी दल शामिल होंगे। वहीं बीजेपी नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। वहीं आदित्य ठाकरे आज शाम 6:30 बजे मरीन लाइन्स में बिरला मातोश्री सभागार में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद आदित्य रविवार सुबह 11 बजे सांताक्रूज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सभाओं में सभी युवा शिव सैनिकों को शामिल होने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता दिख रही है, लेकिन आज राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया। मध्य प्रदेश में महंगाई की चौतरफा मार के बीच पिछले कुछ दिनों से लोगों को राहत मिली हुई है। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट 108.65 रुपये और 93.90 रुपये प्रति लीटर रहे। वहीं उज्जैन में लगातार दूसरे दिन सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है। यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 109.02 रुपये और 94.26 रुपये प्रति लीटर है। विपक्ष द्वारा सत्र को बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र विधानसभा का हो चुका है। 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है, तो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। जितने भी मुद्दे वो लाए हम चर्चा करने के लिए तैयार है। हमारी विधानसभा की परंपरा रही है, अधिक मुद्दे होते हैं तो हम देर रात तक 2-2 बजे रात तक बैठ करके विधानसभा चलाए हुए हैं। तो मुद्दे तो ना आए और सदन में बैठकर चर्चा करें, हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 7 साल के अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं। नर्मदापुरम जिले की 7 जनपदों में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में सोहागपुर और केसला ब्लॉक की 115 पंचायतों में चुनाव शुरू हो चुका है। वहीं सोहागपुर ब्लॉक में 63 पंचायतों में 176 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होने के बाद वोटों की गिनती भी मतदान केंद्र पर करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सोहागपुर जनपद पंचायत की 63 में से 10 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। यहां केवल जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान हो रहा है। वहीं केसला ब्लॉक में 22% और सोहागपुर ब्लॉक में 15% मतदान हुआ। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने सोहागपुर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शहडोल जिले में पहले चरण में सोहागपुर जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना शुरू हो चुका है। बारिश के बीच लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम चरण के 250 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 20 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण में 1,36,523 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। शहडोल जिले के सोहागपुर जनपद क्षेत्र में 77 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 327 उम्मीदवार, जनपद सदस्य के 131 उम्मीदवार, 3 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में 48 उम्मीदवार के लिए मतदान शुरू और पुरुष व महिला मतदाताओं के साथ कुल 1,36,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा विकास योजना की समीक्षा की और कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से नरवा का विकास किया जाए जिससे ग्रामीणों का भी इसमें जुड़ाव हो। इसके साथ ही बांधों और भू जल संरचनाओं में अनिवार्य रूप से डिसिल्टिंग की जाए। आपको बता दें कि इस योजना से पर्यावरण और वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 90 विधानसभा क्षेत्र दौरा को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, जो कि दिल्ली जाने के कारण कुछ कार्यक्रम के चलते बाधित हुआ था। अब से 1-2 दिन के बाद मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से शुरू होगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी दिल्ली जाने के कारण कुछ कार्यक्रम थोड़ा बीच में बाधित हुआ था, फिर से मैं ऐसा समझता हूं कि 1-2 दिन की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। गंगोत्री और यमुनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक संस्कृति की विरासत को समेटे है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के प्रदेश उत्तराखंड में है, इसलिए इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन उत्तराखंड के प्रमुख व्यापार हैं, जिन्हें सरकार भी बढ़ावा दे रही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यही है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमिका है। सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने बताया कि 5,96,00,000 की लागत से नया रायपुर में भवन बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में डेवलपमेंट की जो भी संभावनाएं हैं, उन सबको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम के निर्देशन में प्रदेश भर का विकास कराया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके नई राजधानी को तत्कालीन सरकार ने लगभग बसाने में कोई रुचि नहीं लिया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार फैसले कर रहे हैं, नई राजधानी में मुख्यमंत्री का बंगला, मंत्रियों का बंगला, अधिकारियों का बंगला, इस तरीके से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की जरूरत है, उस दिशा में ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद में करंट सता सकता है। ग्राम पंचायत फरहदा के ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला किया है। बताने की ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली लाने के लिए 3 साल से काम चल रहा है। गांव में जगह जगह बिजली के खंभे लग चुके हैं, उन पर तार भी डल चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से की है, लेकिन बजाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। अब ग्रामीणों ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस मामले की शिकायत जब अनूपपुर जिले के विद्युत केंद्र के सहायक आयुक्त से की गई, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। कब के खम्भा गड़े हराए, 3 साल है गए, न ट्रांसफार्म लगे, न कुछ लगे। हमारे ग्राम पंचायत फरहदा में अभी तक लाइट का समस्या है, ये 3 साल से अभी तक लगा नहीं है। क्या नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि अभी
100% गाँव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जो भी बजरे टोले जो भी गांव छूटे हुए हैं वो अभी सौभाग्य योजना का जो सेकंड फेस आना है केंद्र सरकार की योजना है तो उसमें वो सारे कवर हो गए और उनका भी विद्युतीकरण होना है। राजधानी रायपुर में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के मार्गदर्शन से जिले के अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई जो कि सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पंजीबद्ध चिटफंड के अपराधों की समीक्षा आदि प्रत्येक प्रकरणों की समीक्षा की गई, वहीं एजेंडों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की गई। आज एक बैठक आयोजित जिला रायपुर में किया गया था, उसमें मूलतः बैठक का उद्देश्य कई प्रकरण ऐसे अभी चीट फंड के जिसमें जो कंपनियों के जो संपत्ति की जानकारी अपने को नहीं मिल पाई है और उनके संबंध में चूंकि ये सभी किसी न किसी कंपनी के एजेंट के रूप में बहुत पहले कार्य किए हैं, इनको कई जानकारी इनके पास है, इसलिए बैठक आयोजित करके इनसे जानकारी लिया गया। इसके अलावा साथ ही साथ जो अभी तक के जिला लेवल में जो चीट फंड के जो कंपनी है उनके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध होने या जो संपत्ति की जो जानकारी मिला है उसके संबंधी जो भी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में मनोवैज्ञानिक औषधि सेवा संस्था की सचिव अर्चना सिंह ने सराहनीय पहल की है, जहां एक 56 वर्षीय बुजुर्ग अशोक नुष्कर जिनका एक पैर पूरी तरह डैमेज हो गया है जिन्हें संस्था ने रायपुर के आम्बेडकर अस्पताल में लाया गया, वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए अर्चना सिंह ने कहा कि अशोक के पैरों की हालत बड़ी गंभीर थी, इसके पश्चात अशोक नुष्कर को रायपुर लाया गया और उनका इलाज करवाया जा रहा है जिसकी पूरी देखभाल संस्था कर रही है। ये था कि एक पेशेंट है अशोक नुष्कर, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। यहाँ हमको देवभोग में ये मेरे मित्र हैं शुभम भटनागर पत्रकार हैं, उन्होंने इनको देखा 17 जून को। उसके बाद गौरी शंकर जी हैं वहाँ समाज सेवी हैं, उनके सहयोग से यहाँ मेकाहारा उनको लेके आए हॉस्पिटल। उनका एक पैर बायां पैर पूरा सड़ चुका था, मैगेट्स पड़ गए थे, कीड़े पड़ चुके थे, पैर पूरा खा गए थे, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए संस्था आगे आई। हमारी संस्था इनका 18 जून से ट्रीटमेंट करवा रही है मेकाहारा में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। दमोह जिले में और पथरिया जनपद क्षेत्र में आज मतदान शुरू हो चुका है। वहीं प्रशासन ने मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं जिससे ग्रामीणों में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। सहारनपुर नगर निगम परिसर में गांधी लाइब्रेरी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया गया है। इस ई लाइब्रेरी का मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान लाइब्रेरियन डॉक्टर सपना सिंह ने तिलक लगाकर और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके साथ ही मंडल आयुक्त ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए किताबों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर कैलाश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारा आज स्मार्ट सिटी सहारनपुर की ये पहली सौगात है ये, और माननीय कमिश्नर साहब एम लोकेश साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है, और ये नागरिकों के लिए बहुत ही सुंदर तोहफा है। ये लाइब्रेरी पहले थी लेकिन पुरानी थी, तो इसको हम लोगों ने रिनोवेट करके स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसको लिया है। गांधी लाइब्रेरी है नगर निगम का, इसको हम स्मार्ट सिटी के तहत ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, और एक तो यहाँ पर जितने भी बुक्स है वो सारा बुक्स हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया और डिजिटाइज करके यहीं पर लोडेड भी है, और दूसरा ऑनलाइन बुक्स भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो जितने भी मेम्बर्स हैं यहाँ पर सारा मेम्बर्स को हम लोग एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, तो उन लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं और घर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। राजधानी रायपुर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धरसीवा से सामने आया है जहां प्रार्थी लखन सायतोड़े ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। देर रात नंपा स्टील से मांढर की ओर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में मोहल्ले के कुछ निवासी ने लोहे की टंकी को ट्रक में भरकर चोरी कर भाग गए, जिस पर थाना धरसीवा में आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जो ग्राम मुंगड़ी है जो कि चौकी सिंह तराग के अंतर्गत गांव है, वहां पर एक बंद हुआ जो प्लांट का जो था फैक्ट्री था उसका जो जो टंकी है लोहे का उसको कुछ आरोपियों के द्वारा हाइवा वाहन में चोरी करके ले जा रहा थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें उपस्थित होकर मौके में पहुँचा गया, और जो प्रकरण जो 7 आरोपी है
जो कि चोरी करके टंकी को ले जाया जा रहा था, उनके विरुद्ध में धारा 389 चोरी का अपराध पंजीबद्ध करके विश्राम लिया गया। राजधानी रायपुर के खमाढ़ी थाना में जमीन धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी कविता अग्रवाल ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह मलसाय तालाब रोड कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती में रहती है। रफी अहमद ने सरकारी भूमि को अपनी स्वयं की भूमि बताकर भूमि का विक्रय प्रार्थी कविता अग्रवाल से किया। रफी अहमद ने फर्जी आम मुख्तियार तैयार कर प्रार्थी से 23 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी की, जिसे खमाड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। खमाड़ी क्षेत्र में प्रार्थी जो कविता अग्रवाल है, वहां करके रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके द्वारा एक आरोपी जो है सफी मोहम्मद, उसके द्वारा जो शासकीय भूमि को अपना स्वयं की भूमि बताकर धोखाधड़ी करके उसको लगभग 23,23,000 रुपये में बिक्री करने के बाद में रुपये लिया है, और बाद में इसके पता सही करने पर उसको जो जमीन है शासकीय होना पाया गया। इस प्रकार से जो आरोपी सफी मोहम्मद है उसके विरुद्ध में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीकरण करके उसको निर्देशन दिया गया है। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में रेल क्षेत्रीय प्रबंधक की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया है। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह भाटिया रेल क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। बीती रात वे अमलाई स्टेशन के ट्रैक पर विद्युतीकरण का जांच कर रहे थे, तभी पास से एक मालगाड़ी और एक मेमो कटनी ट्रेन निकली और योगेंद्र उनकी चपेट में आ गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के माता पिता ने योगेंद्र के उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उसकी हत्या की आशंका जताई है। और टॉर्चर किया इन लोगों ने ही, मेरे बच्चे की जान ली है और टेंशन में रहता था बेचारा। और कल भी जो NI थी उसमें उसका वर्बल उसको कहा गया कि जाके काम कर, जबकि यहाँ के ऑर्डर नहीं थे उसके, फिर भी उसने वहाँ जाके काम किया। और फिर उन्होंने ट्रेन को बिना सिग्नल के ट्रेन छोड़ दी, जानबूझ के छोड़ी उन्होंने, मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में धनुष बाण के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला हथबर ग्राम पंचायत का है, जहां देर रात धनुष बाण ने अपनी मतभेद के चलते बुधुराम पर हमला कर फरार हो गया। वहीं घायल को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक के गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया, पर अस्पताल पहुँचते ही घायल युवक की मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है। मेरे को मारने के लिए आया था सर, मेरे को जगाया घर में, तो उठा ने बुद्धू राम, अब बुद्धू राम खोला केवाड़, जैसे केवाड़ खोला वैसे वो धड़ा से अपना तीर चला दिया, और इसके बाद वो तीर लेकर के अपना घर में घुस गया, है ना। घर में घुसने के बाद वो घर में निकाला है, वो लोग भाग गए, मैं गुहार मारना चालू किया। कितने लोग आए थे? 3 आदमी का पता चलता है। सीहोर के बुधनी में गरीबों को दिए जाने वाले राशन में कटौती करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जनता प्रतिनिधियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से PDS की दुकान पर प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जाता था, लेकिन पिछले 2 महीने से 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 1 किलो गेहूं 1 महीने के लिए काफ़ी नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। वहीं PDS के सेल्समैन लक्ष्मी नारायण तनेजा का कहना है कि ऊपर से आदेश आने के बाद ही गेहूं की मात्रा कम की गई है। गेहूं 1 KG मिलता है सर, इतने में कुछ नहीं हो रहा है, और इसका समस्या का समाधान करें सर। 1 किलो गेहूं मिलता है, उसमें क्या पेट भर आएगा, हमारा गुजारा नहीं होता। कौन दे रहा है 1 किलो गेहूँ? कंट्रोल सोसाइटी मिल गया है ना। पिछले दिनों से बुधनी नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो गरीबों की समस्या है। उस समस्या को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो राशन की दुकान पर हर गरीब को 1 आदमी को 5 किलो गेहूँ मिलता था, पिछले महीने और इस महीने भी 1 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। ऊपर से आदेश है 4 किलो चावल 1 किलो गेहूँ प्रति सदस्य के मान से 2 महीने का वितरण किया जा रहा है।
अगली खबर डिंडौरी जिले से है, जहां ग्राम पंचायत मनोरी के पूर्व सरपंच ने उप सरपंच पति पर 1,40,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित पूर्व सरपंच जानू सिंह कुशराम का कहना है कि उप सरपंच पति मकसद मंसूरी ठेकेदारी का काम करता है, जिसके चलते उन्होंने ग्राम पंचायत में रंगमंच और श्रमिक सेट बनवाने के लिए 1,40,000 रुपये उसे दिए थे, लेकिन उसने कोई काम नहीं करवाया। जब पूर्व सरपंच ने पैसे वापस मांगे तो वह धमकी दे रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अमरपुर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। 40,000 रुपया लिया और श्रमिक साइट के लिए 1,00,000 रुपया लिया। कई दफ़े उसने काम किया मेरी पंचायत में, तो उसको मैंने विश्वास के कारण पैसा दे दिया, सचिव सरपंच दोनों मिल के दे दिए, तो उसने अभी तक अब नहीं बना पाया है। और उसको पैसा मांगने से हम लोगों को धमकी दे रहा है और न भवन बना पा रहा है, ना मटेरियल दे रहा है, ना कुछ नहीं। 25 जून को होने वाले प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शहडोल जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद्य ने बताया कि मतदान दल का पहले ही गठन कर लिया गया था, जिनको चुनाव संबंधी सामग्री का वितरण कर रवाना कर दिया गया है। पहले चरण का मतदान सोहागपुर ब्लॉक में होगा, जिसमें 1,36,523 मतदाता वोट करेंगे। प्रथम चरण में 250 मतदान केंद्र हैं। इनके लिए जो मतदान दलों का गठन हुआ था, सारी चुनाव सामग्री लेकर ये लोग अपने गतवंत मतदान केंद्र की ओर रवाना हो चुके हैं। 20 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जोनल अधिकारी भी हैं, और आज शाम तक सभी मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल किए जाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही नियमों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लेकर आ रही है। अध्यादेश का प्रस्ताव नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह को मंजूरी के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मई महीने में लाए गए नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक में नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न कराए जाने की व्यवस्था तो बदल दी गई, लेकिन अध्यक्ष बनने की उम्र को नहीं घटाया गया। इसकी वजह से हालात ये बन गए कि नगर पालिका और नगर परिषद में पार्षद की उम्र 21 साल रखी गई, लेकिन अध्यक्ष बनने की उम्र में संशोधन नहीं किया गया और इसे जस का तस 25 साल रखा गया। नगर पालिका अधिनियम 1961 में पार्षद के चयन की न्यूनतम उम्र 21 साल है, जबकि अध्यक्ष के लिए 25 साल है। हालांकि ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है, लेकिन पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद अध्यक्ष के चुनाव सीधे हुआ करते थे। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद अब अध्यक्ष की न्यूनतम उम्र में भी संशोधन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक के बाद एक नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई। प्रदेश में कोरोना के 114 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, साथ ही 9,000 से भी अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से राज्य में अब कुल 632 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं बात करें तो कुल 66 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अफसरों की लापरवाही से बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक दवाएं बेकार हो गई। मामला सीएमओ के सीएमएसडी स्टोर का है, जहां मरीजों के लिए खरीदी गई लाखों की दवाएं स्टोर में पड़े पड़े एक्सपायर होकर बेकार हो चुकी हैं। बता दें कि ये लाखों रुपए की दवाएं सीएमओ आवास के बगल में मिला। वहीं इस मामले पर सीएमओ नीरज कुमार पांडे ने सफाई देते हुए रटा रटाया बयान दिया। यह मैटर संज्ञान में आया है जब हम लोग एनएमटीसी खाली करा रहे थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए और निर्माण कार्यों के लिए, तो कुछ दवाएं मिली हैं जो कि 2013 एक्सपायरी हैं, और इस संबंध में हमने एसीएमओ स्टोर से आख्या मांगी है। संभवतः तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया गया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई।
मुरादाबाद क्षेत्र के मैनाठेर कोतवाली में लूट डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं लूट जैसी घटनाएं रोकने में मैनाठेर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना मैनाठेर कोतवाली के कस्बा महमूदपुर माफी की है, जहां बदमाशों ने शादी के घर से लाखों का माल लूट लिया और फरार हो गए। जब परिवार सोकर उठा तो इसकी जानकारी लगी, तभी पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। ये देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला, महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला, पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार, क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब, आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार, आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार। जनता कर रही जांच की मांग, आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया, बिना काम किए बिल क्यों दिए गए, ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की साठ गांठ, पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है। तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है, तथा आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड, संपत्ति तथा बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।